और ये वाला जो एंड्रॉइड बॉक्स है ना ये है H96 Max, और ये ना थोड़ा अपग्रेड वाला वर्जन मैंने बाय किया है। और इस डब्बे की हालत ना यार बहुत बेकार है। इस बॉक्स में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे अपना मेन एंड्रॉइड बॉक्स मिलेगा, एक रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा, और भाई इसका जो रिमोट है ना वो बहुत ही सिंपल डिजाइन के साथ है, ज्यादा इसके अंदर बटन दे नहीं रखे, बहुत ही मिनी साइज का है। एक नॉर्मल HDMI केबल और एक बेसिक सा पावर एडाप्टर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अगर मैं इस एंड्रॉइड बॉक्स की बात करूँ ना तो काफी स्लिम डिजाइन के साथ आता है भाई ये। बैक साइड में आपको यहाँ पे पावर केबल मिलेगी, इसमें लैन पोर्ट भी दे रखा है, एक HDMI का इनपुट मिल जाएगा। और इस एंड्रॉइड बॉक्स का बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर अपने को AV आउट का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे जो पुरानी टीवी होती है ना वो CRT TV जिसे अपन डब्बा टीवी बोलते हैं उसको भी आप कनेक्ट कर पाओगे, मतलब इसके थ्रू चला पाओगे। आपको बीच में जो कनेक्टर आते हैं ना यार HDMI 2, 3, RC वो खरीदने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको यहाँ पे एक केबल खरीदने की जरूरत है जो लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगी, कुछ इस टाइप की वो केबल आएगी। राइट साइड में हमने को दो USB के पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक तो है 2.0 वाला और एक है 3.0 वाला। और इसके अंदर आप 1 TB के हार्ड डिस्क को भी कनेक्ट कर पाओगे एज ए एक्सटर्नल डिवाइस, और सारे USB पेन ड्राइव तो इसके अंदर चली जाएंगे। USB 3.0 है ना इसके अंदर, तो जो स्पीड है वो थोड़ी आपको अच्छी मिल जाएगी। साथ में एक microSD कार्ड भी आप इसके अंदर लगा सकते हो। तो बॉक्स कुछ इस टाइप का आपको मिल जाएगा। इसका जो रिमोट है ना यार वो बहुत ही बेसिक डिज़ाइन का है, और कोई वॉइस असिस्टेंट अपने को इसके अंदर नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना भाई। इसके जो फीचर है ना यार वो बहुत ज़्यादा दमदार है। इसके अंदर अपने को 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी। और भाई ये जो 4GB की रैम है ना ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है मल्टीटास्किंग के लिए। अगर आप यहाँ पे थोड़े हैवी यूज़र हो ना तो 4GB रैम आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इस बॉक्स के अंदर अपने को लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 मिलेगा, तो आपकी सारी एप्लीकेशन इसके अंदर चल जाएगी। और सबसे खास बात ये है इसकी यार कि ये सारी टीवी में सपोर्ट करता है, चाहे आपके पास LED TV हो, LCD हो, इवन वो पुरानी टीवी भी हो ना, तो सबके अंदर आप इसको कनेक्ट कर पाओगे यार। तो ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा है इस H96 एंड्रॉइड बॉक्स का। इसके अंदर अपने को स्क्रीन कास्ट का सपोर्ट मिलेगा, 5G इंटरनेट को भी ये सपोर्ट करता है, और इसके साथ साथ ब्लूटूथ 4.0 भी इसके अंदर अपने को मिल जाएगा। और जो प्रोसेसर इसके अंदर यूज हुआ है वो है RK3318। और मैं आपको सच बता रहा हूँ ये जो प्रोसेसर है ना इसका मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, ये प्रोसेसर पहली बार मैं इस बॉक्स के अंदर यूज कर रहा हूँ। अब भाई इसके जो फीचर है उसको देख के तुम ज्यादा इंप्रेस मत हो जाना, क्योंकि ये आपको खरीदना है कि नहीं वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो उस वाला पार्ट को मिस मत करना यार। और इसको LED टीवी में कनेक्ट करना बहुत आसान है, बस HDMI केबल के थ्रू इसको कनेक्ट करना है। ऑलराइट, अब इसका जो यूजर इंटरफेस है यार वो बहुत ज्यादा बेसिक सा है, सिंपल लेआउट आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे पहली बार एंड्रॉइड बॉक्स को यूज कर रहे हो ना तब तो आपके लिए ठीक है, लेकिन यार इतना ज्यादा प्रोफेशनल इसका यूजर इंटरफेस एक्चुअल में अपने को मिलता नहीं है, बहुत ही बेसिक सा लेआउट इसके अंदर अपने को मिलेगा। इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन अपने को प्री इंस्टॉल मिल जाती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, और काफी सारी एप्लीकेशन है। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ना मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करी है जिससे अपन यहाँ पे लाइव चैनल को फ्री में देख पाएंगे, और जितने भी लेटेस्ट मूवी आती है ना उनको भी फ्री में देख पाएंगे। तो एक्चुअली में वो एप्लीकेशन काम कैसे करती है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और एक सरप्राइज वाली बात ये है कि ये जो एंड्रॉइड बॉक्स है ना इसके अंदर अपने को प्ले स्टोर तो मिल ही रहा है, साथ में APK पूर स्टोर भी मिल रहा है, जिससे आप ज़्यादा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाओगे एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर। अब ये जो एंड्रॉइड बॉक्स है ना यार ये कनेक्टिविटी के मामले में भी बहुत ज़्यादा आगे है। इसके अंदर अपन सारे पेन ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं, 1 TB के हार्ड डिस्क को भी आप यहाँ पे एक्सटर्नली कनेक्ट कर पाओगे इस एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर यार। और इसके साथ इसके अंदर अपने को स्क्रीन कास्ट भी मिल रहा है, जिससे आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को LED TV के अंदर देख पाओगे। और इसके अंदर अपने को दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो है एयर स्क्रीन आईफोन यूजर के लिए, और एक है मीरा कास्ट एंड्रॉइड यूजर के लिए। और भाई इसका जो रिमोट है ना यार ये बहुत ज़्यादा बेसिक सा है, ना तो इसके अंदर अपने को वॉइस असिस्टेंट मिलता है, ना ही इसके अंदर को एयर माउस मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक वायरलेस कीबोर्ड वाला रिमोट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस बॉक्स को खरीदते हो ना तो इस टाइप का एक रिमोट आप बाय कर लेना। ये 500-550 रुपए का आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उसको एक बार आप चेकआउट कर लेना आई बटन में। इसके अंदर ट्रैक पैड भी है माउस के लिए, तो इसकी मदद से ना यार एंड्रॉइड बॉक्स को यूज करना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ऑलराइट, अब मैं आपको ना एक बात यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो काफी लोग अभी भी कंफ्यूज है कि एंड्रॉइड बॉक्स और सेटअप बॉक्स एक ही होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं भाई। देखो एंड्रॉइड बॉक्स जो होता है ना वो आपके एलईडी टीवी को पूरी तरीके से एंड्रॉइड बना सकता है, या फिर कह लो कि एंड्रॉइड में कन्वर्ट कर सकता है। मार्केट में जितनी भी एलईडी आती है ना रियलमी शाओमी TCL की, उनके अंदर अपने को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर अपन नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम की वीडियो को देख सकते हैं या फिर OTT कंटेंट को देख सकते हैं। तो अगर आपके पास पुरानी टीवी है या फिर पुरानी LCD या LED है जो एंड्रॉइड नहीं है, तो उसको एंड्रॉइड बनाने के लिए ना इस टाइप के एंड्रॉइड बॉक्स आते हैं मार्केट में। तो ये बेसिकली एक एंड्रॉइड बॉक्स है, ये सेटअप बॉक्स नहीं है।
सेटअप बॉक्स जो होते हैं यार वो टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी उन कंपनियों की तरफ से लॉन्च होते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉइड बॉक्स और सेटअप बॉक्स दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन भाई एक चीज याद रखना, ये जो H96 का एंड्रॉइड बॉक्स है ना, इसके अंदर अपन लाइव चैनल को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। अब वो एक्चुअल में कैसे देखना है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। अब भाई वीडियो का ये वाला जो पार्ट है ना, इसको स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेन पार्ट यही है पूरी वीडियो का। देखो जितने भी OTT कंटेंट के प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिस्नी प्लस, हॉटस्टार और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन सभी की वीडियो को, शो को और मूवी को आप अगर फ्री में देखना चाहते हो, यार कौन नहीं देखना चाहेगा, हर कोई देखना चाहेगा, तो वो इस वाले बॉक्स में आप देख सकते हो। साथ में यहाँ पे जितने भी लाइव चैनल होते हैं, जैसे कि स्टार प्लस, सोनी टीवी, सोनी सब और भी कई सारे चैनल होते हैं, उनको भी आप फ्री में देख पाओगे। यार आपको एक रुपये भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि अगर अपन Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो एक साल का 1400 रुपये का आता है। तो अब आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप सारे कंटेंट को बिल्कुल फ्री में देख पाओगे इस बॉक्स की मदद से। और साथ में नेटफ्लिक्स को भी आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। अब एक्चुअल में ये होता कैसा है मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने इसके अंदर यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है। पहली एप्लीकेशन के अंदर अपन लाइव चैनल को फ्री में देख सकते हैं, और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे लेटेस्ट मूवी आती है उनको भी अपन फ्री में देख पाएंगे, वो भी HD रेजुलेशन में। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म है उनके जितने भी कंटेंट है, जैसे कि मूवी होगी, शो हो गए या सीरीज़ होगी, उनको भी आप यहाँ पे फ्री में देख पाओगे, आपको यहाँ पे पैसे देने की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। ये एप्लीकेशन मैंने अलग से इसके अंदर इंस्टॉल करी है, कंपनी वाला अपने को इंस्टॉल करके नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर मैंने एक नेटफ्लिक्स अपनी तरफ से इंस्टॉल कर रखा है, जिसके अंदर नेटफ्लिक्स के जितने भी मूवी और शो आते हैं ना, उसको भी अपन फ्री में देख सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है भाई कि ये जो एप्लीकेशन है ना, ये ज़रूरी नहीं कि आपको यूज़ करने के लिए H96 बॉक्स की ज़रूरत है। इन एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल के अंदर यूज़ कर पाओगे, किसी भी कंपनी के अगर आपके पास एंड्रॉइड टीवी है तो उनके अंदर भी इंस्टॉल कर पाओगे, या फिर अगर आपके पास एंड्रॉइड बॉक्स पहले से है ना तो उनके अंदर भी इन एप्लीकेशन को आप यूज़ करके फ्री मूवी और शो को देख पाओगे। और अगर आप इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो सिंपल सा मेथड है यार, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज सेंड कर दो, जिसके अंदर सिर्फ आपको ये लिखना है गिव मी ऐप, ये मैसेज आपको टेलीग्राम पे सेंड करना है। और टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना अपना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जो हमारा ग्रुप है ना टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन भी कर लो, उसके अंदर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। और यार इस टाइप की जितने भी फ्री वाली एप्लीकेशन होती है ना, ये सारी मैं शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम के ग्रुप में, और काफ़ी लोग इन एप्लीकेशन को ऑलरेडी यूज़ भी कर रहे हैं। तो आप टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसके अंदर ये सारी एप्लीकेशन मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना भाई। सारी एप्लीकेशन मैं आपको फ्री में दूंगा, लेकिन सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। भाई देखो ये जो एंड्रॉइड बॉक्स है ना, इसके अंदर 4GB की अपने को रैम मिलती है, तो ऑब्वियसली अपन गेमिंग तो कर पाएंगे, लेकिन मैंने कुछ गेम इसके अंदर ट्राई करके देखे है यार, तो गेम इतने ज़्यादा स्मूथ चलते नहीं है। मतलब 600-700 MB के जो गेम आते हैं ना, वो भी कई बार यहाँ पे लैग होने लग जाते हैं। तो भाई मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि गेमिंग के हिसाब से तो ये एंड्रॉइड बॉक्स आप मत लेना। और यार इसके अंदर जो प्रोसेसर अपने को मिलता है ना, वो इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है कि वो गेमिंग को स्मूथली प्ले कर पाए। रैम और इंटरनल मेमोरी में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन प्रोसेसर में कहीं ना कहीं यार ये पीछे रह गया है। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में बता ही रहा हूँ, तो परफॉर्मेंस के बारे में भी बता ही देता हूँ साथ ही साथ। देखो मेरा हॉनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ओके। इसके अंदर जो अपने को रैम मिलती है ना यार, वो काफ़ी अच्छी है, मल्टीटास्किंग आपकी अच्छी तरीके से हो जाएगी। लेकिन इसका जो प्रोसेसर है यार, वो बहुत ज़्यादा वीक है, इतना ज़्यादा पावरफुल वो है नहीं। मतलब एप्लीकेशन जब आप लोड करोगे, क्लोज करोगे, तो उसके अंदर कई बार ये लैग हो जाएगा, गेम आप प्रॉपर इसके अंदर खेल नहीं पाओगे, एप्लीकेशन कई बार यहाँ पे फ्रीज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यार प्रोसेसर इसका बहुत ज़्यादा वीक है, जिससे अपने को परफॉर्मेंस ना उतनी अच्छी मिल नहीं पाती है। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना, तो ये अपने चैनल का सबसे महंगा एंड्रॉइड बॉक्स है। इस एंड्रॉइड बॉक्स को मैंने खरीदा है 4790 रुपये में, तो लगभग 5000 रुपये मैंने इस एंड्रॉइड बॉक्स के लिए दिए है, जिसके अंदर ना तो मुझे यहाँ पे एयर माउस वाला रिमोट मिला है, ना ही वॉइस असिस्टेंट मिला है, और ना ही इतना अच्छा प्रोसेसर मुझे मिला है। अब देखो यार, ये आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में आपको बता नहीं पाऊंगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस एंड्रॉइड बॉक्स को मैं MI एंड्रॉइड बॉक्स से कंपेयर करूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई उस वीडियो को आप एक बार देख लेना, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये MI बॉक्स और इस वाले एंड्रॉइड बॉक्स में से आपको कौन सा यहाँ पे परचेस करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो प्राइस है ना, वो काफी हद तक सिमिलर है। तो वो वाली वीडियो को आप देख लेना, उसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये एंड्रॉइड बॉक्स आपको खरीदना है या फिर MI बॉक्स से आपका काम हो जाएगा। तो अपने जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना यार, उसके अंदर मैं आपको ज्यादा क्लियर बता पाऊंगा कि आपको ये एंड्रॉइड बॉक्स खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही यार, इस MI बॉक्स की वीडियो आपको देखनी ना, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो।